जब भारत की आजादी की लड़ाई हुई थी तो नशाबंदी भी एक मुद्दा था महात्मा गांधी जी का और कांग्रेस के उस समय के, क्योंकि कांग्रेस ही एक समूह था उसके लोगों का। नशाबंदी से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है और स्वस्थ समाज का निर्माण करने की जिम्मेवारी सरकारों की भी होती है। नशाबंदी से ये तो तथ्य सामने आए हैं जो मैं पेपर आपके बीच में बांट दूंगी कि कई राज्यों में वो फेल हो गया और कई राज्य उसको कायम रखे रहे, गुजरात है, बिहार है, कायम रखे रहे। उससे एक बात क्लियर हो गई जो नीतीश कुमार जी ने कही थी कि लोगों ने कहा कि नशाबंदी के बाद में भी लोग पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले शाहनशाहों की तरह पीते थे, अब चोरों की तरह पी रहे हैं, ये अंतर आ गया क्योंकि अब शराब चोरी से पी रहे हैं। तो जो पहले शाहनशाह थे अब वो चोर हो गए। दुर्घटनाएं होती हैं, छोटी बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ दुराचरण होता है, अधिकतर ये नशाखोर लोग ही पाए जाते हैं। दुर्घटनाएं, लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थितियां, ये सब के पीछे कहीं ना कहीं इसका हाथ होता है। तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी सरकार की जिम्मेवारी होती है और ये राजनीतिक और सामाजिक सोच के साथ होगा। इसमें राजनीतिक साहस चाहिए और सामाजिक चिंतन पर आस्था चाहिए। इसलिए मैंने जब कहा तब मेरे ध्यान में ये बिल्कुल नहीं था कि नरोत्तम मिश्रा जी और पार्टी की सरकार के दूसरे मंत्रियों के कोई बयान चल रहे हैं। मैं तो वो समाचार देखी जिसमें कमलनाथ जी और शिवराज जी का कोई बयान था, तो मैंने सोचा अब समय आ गया। मैं समय की प्रतीक्षा में थी कि जो शिवराज जी से बातचीत हुई थी उसको आगे बढ़ाऊंगी। और शिवराज जी पे ये विश्वास इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार और शिवराज ये दोनों ही ऐसे राजनीतिक दलों के नेता हैं और ऐसे राजनीतिक व्यक्ति स्वयं हैं कि ये सामाजिक सोच साथ में रखते हैं दोनों। इनकी राजनीतिक चिंतन की धारा भी है और एक सामाजिक चिंतन की भी धारा है, और इसलिए मुझे लगा कि मेरे को इस बात को विमर्श के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। और उस विमर्श में आपके सहयोग से ही ये विमर्श का वातावरण बनेगा। इसमें कहीं भी समाज की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आती। महिलाओं का तो समर्थन ही नीतीश कुमार को इसलिए मिला, उनकी जीत का बहुत बड़ा कारण नशाबंदी रही है क्योंकि महिलाएं इससे बहुत परेशान होती हैं, सज्जन लोग जो नहीं पीते हैं वो भी इससे परेशान होते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि इस विषय को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए जो मेरा अपना विचार है, बाकी मुख्यमंत्रीगण स्वयं विचार करें इस पर, कि पहले शराब माफिया पर दबाव बनाना पड़ेगा, उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। शराब माफिया एक ऐसा राक्षस होता है जो 8 अष्टपद होता है, वो इतनी जकड़न में ले लेता है नेताओं को, ब्यूरोक्रेसी को, चिंतक वर्गों को, लेकिन फिर भी देश में, प्रदेश में शराब के खिलाफ वातावरण है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, मैं नीतीश की उसी बात को रिपीट करूंगी, नीतीश कुमार की, कि नशाबंदी में कई बार ऐसा होता है कि मीडिया के लोग ही पकड़ लेते हैं कि तुम्हारे मंत्री पीते पकड़े गए, तुम्हारे विधायक पीते पकड़े गए, लेकिन जो पीते हैं वो चोरी कहलाते हैं, शहंशाह नहीं रह जाते हैं फिर। और शुरुआत करनी होगी शराब माफिया पर कंट्रोल करने की। नरोत्तम मिश्रा तो एक बहुत संस्कारशील, वैभवशाली ब्राह्मण परिवार के हैं और मेरा उनका परिचय तो जब हम दोनों बचपन के थे तब से है। मैं उनके घर पर भोजन करने जाती थी, प्रवचन करने जाती थी जब डबरा में, तब वो तो एक मंत्री के नाते अपना वक्तव्य दे रहे थे, इसलिए उनके वक्तव्य के उत्तर में मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं किसी भी मंत्री के वक्तव्य में कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी ही बात को रिपीट कर रही हूँ जो शिवराज जी से एकांत में हुई थी। और मुझे, मैंने निश्चय भी किया था कि मैं इसको कभी सार्वजनिक करूंगी, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसका निर्णय अकेले सरकार को नहीं लेना है, इसमें सामाजिक दबाव चाहिए, सामाजिक वातावरण चाहिए, सामाजिक समर्थन चाहिए। और सामाजिक समर्थन प्राप्त होने के बाद ऐसा विचार करने का साहस जो लोग कर सकते हैं, उनमें शिवराज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जैसा मैंने कहा वो सामाजिक और राजनीतिक सोच के की दोनों धाराओं के साथ चलते हैं। और मध्य प्रदेश चूंकि जहां मैं जन्मी हूँ वो राज्य है, इसलिए मैं इस मुहिम को अब आगे चलाऊं और कैसे चलाऊं इस पर आप लोगों के साथ में मैं विमर्श करती रहूंगी। इसको क्रमिक भी किया जा सकता है। जब मैं मुख्यमंत्री थी तो हमने चुनाव में इसको एजेंडा में नहीं लिया था क्योंकि हम आंध्र पर नजर लगाए हुए थे। आपको याद होगा चंद्रबाबू नायडू जी ने इसकी घोषणा की हुई थी और उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। तो ये तय हुआ था कि जब सरकार बना लेंगे
तो हम पहले विमर्श करेंगे और फेज में लाएंगे इसको। तो मैं उनके नाम नहीं ले सकती उन अधिकारियों के, लेकिन आप समझ जाएंगे राजस्व से और अन्य वित्त विभाग से संबंधित जो अधिकारी थे उनको मैंने पहले हफ्ते में ही बुलाया कि मुझे शराब से होने वाले राजस्व को हम दूसरी जगह से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके रास्ते आप सुझाइए। और उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा आप शराब माफिया पर पहले हंटर चलाएंगे, और इसके लिए उन्होंने जो बात कही उसका परिणाम भी आया था कि हमने इसको लॉटरी में डाल दिया था। तो लॉटरी में कई लोगों को, ऐसे लोगों को दुकानें मिल गई थी जिनके पहले शराब का व्यवसाय ही नहीं था, और इसका परिणाम ये निकला था कि माफिया उस समय पर बिल्कुल धराशायी हो गया था। अब बात आ गई थी दुकानों की, पीने की, विधि निषेधों की, तो उसकी मध्य प्रदेश आदिवासियों का एक बाहुल्य राज्य है, आदिवासी परंपरागत तरीके से ही इसका सेवन करते हैं, लेकिन आदिवासी कभी भी शराब के नशे में दुराचरण नहीं करते, महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते, उनके किसी भी आचरण संबंधी अवहेलनाओं की कोई शिकायत नहीं आती, ये सब उन समाजों की आती है जो आदिवासी नहीं है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हम यही विचार कर रहे थे कि इसका रास्ता कैसे निकाला जाए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए। मुझे लगता है कि कोरोना ने वो सबक सिखा दिया कि कोरोना काल में जब तक शराब की दुकानें नहीं खुली एक सिंगल उदाहरण नहीं मिलेगा कि शराब नहीं पीने से कोई मर गया हो, और उसके बाद पूरे टाइम उदाहरण मिल रहे हैं कि शराब के कारण लोग मर रहे हैं। इसलिए महिलाओं की इज्जत, दुर्घटनाओं की कमी, स्वस्थ समाज की रचना, ये सरकारों की जिम्मेवारी है, और महिलाएं सुरक्षित रहें, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, ये भी सरकार की जिम्मेवारी है। तो ऐसी स्थिति में ये शुरुआत एक वैचारिक विमर्श की शुरुआत मध्य प्रदेश से हो, ये मैं खुलेआम बोली हूँ, और इसमें बोलने के पीछे किसी को छोटा दिखाने का मन कहीं नहीं है। तो इसलिए मेरे मन में है कि ये बात आगे बढ़े, इसमें आस्था है, आस्था के कारण मैंने ये बात कही है, और मुझे विश्वास है कि इसमें मुझे आप लोगों का सहयोग मिलेगा, आप लोग का एक वातावरण बनाने वाला सहयोग मिलेगा। राजस्व के घाटे की जो बात आई कि इसमें राजस्व का घाटा होता है, अब जब हम आत्मनिर्भर भारत का एक ड्राफ्ट बना चुके हैं तो उसमें हमने वो सारी चीजें ढूंढ ली हैं जिसमें कि स्वदेशी स्वावलंबन और स्वरोजगार की ओर हम जा रहे हैं। अब तो हम वो सारी चीजें बनाने की तैयारी कर रहे हैं भारत की धरती पर जो हमें बाहर से लेनी पड़ती थी। इसलिए ऐसी स्थिति में राजस्व को निकालने के लिए हम मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ पर फॉरेस्ट रिजर्व भारत का सबसे बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व है, नर्मदा जैसी नदी है, यहाँ पर बहुत अच्छा स्वस्थ बहुत अच्छे तरीके से गौ पालन नर्मदा के दोनों किनारों पर हो सकता है, मतलब मिल्क रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति जो है, श्वेत क्रांति दूध की जो आनंद में हुई, वैसे ही यहाँ पर पूरे नर्मदा के किनारों पर दोनों तरफ हो सकती है, क्योंकि इसकी एशिया की सबसे अच्छी जमीन है नर्मदा के किनारे की, खास करके कुछ जिलों की जो यहाँ से शुरू हो जाते हैं, होशंगाबाद से लेकर के लगभग शहडोल उमरिया तक जो जिले शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए उस समय भी वो विचार हुआ था, और मैं अब शिवराज जी से बैठ के बात करूंगी कि वो ड्राफ्ट निकाला जा सकता है जो अधिकारियों ने, मैंने उनको कहा था, उस समय राजस्व कम हो रहा था, करीब 1,500 करोड़ की वसूली थी राजस्व की, अब ज्यादा बढ़ गई होगी, तो वो रास्ता निकाला जा सकता है कि उससे ज्यादा ही वसूली और कहां से कैसे हो जाए समाज पर कोई बोझ बने बगैर। लेकिन क्या हमारी जिम्मेवारी सिर्फ धन की उगाही और सड़कें और बिजली बनाना है? सड़कों पर लोग ठीक से चले क्या, ये नहीं है? और लोगों की जान की कीमत पर हम धन की उगाही करें? इसलिए मैं अंत में फिर कहूंगी कि मुझे तो ऐसे लगता है जैसे माँ खुद अपने बच्चे को अपने हाथ से जहर पिलाती हो। जब हम खुद कह रहे हैं कि ये गलत चीज है, सरकार में बैठे हुए लोग कह रहे हैं, नशाखोरी के हम समर्थन नहीं करते, ऐड आते हैं सरकार की ही तरफ से, और दुकानें भी हम खुद ही खुलवाएं। अब फिर मैं उसी बात को फिर रिपीट कर दूंगी कि ये सच्चाई भी निकल के सामने आई है कि घोर प्रतिबंधों के बावजूद भी जिन राज्यों में प्रतिबंध रहे वहां लोगों ने पी है शराब, लेकिन फिर शाहनशाहों की तरह नहीं, चोरों की तरह पी है, और वो उसके लिए दंडित हुए हैं जो पकड़े गए हैं वो। मैं इसके साथ इस बात को समाप्त करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैंने जो चीजें अपने जीवन में रास्ते पकड़े वो छोड़े नहीं थे मंजिल तक पहुंचने तक। अयोध्या थी, तिरंगा था, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का मसला था, असम और त्रिपुरा में हो रही घुसपैठ थी, उसी का परिणाम है कि आज वहां सरकारें हैं घुसपैठ के खिलाफ कानून बना चुकी हैं, कर्नाटक जैसे राज्य में जहां 4 विधायक होते तो वहां सरकारें बन रही हैं, और आज मंदिर आंदोलन का तो ऐसी स्थिति हो गई है कि सभी समाज के लोग मिलकर के मंदिर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं दान के माध्यम से। यहां भी मुझे सरकार बनाने की चुनौती दी गई थी,
तो वो भी कर लिया था। तो अब अगर ये रास्ता पकड़ा है तो मुझे आप लोग का सहयोग चाहिए, इसलिए मैंने आपको एकदम इस भाव से बुलाया है कि सबका सहयोग चाहिए। तो कम से कम मध्य प्रदेश एक एग्जाम्पल स्टेट बन सकता है और इसकी फेजिंग की जा सकती है। देखिए ये दबाव में नहीं होगा, दबाव बना के और नहीं करना ही पड़ेगा, भय से भी नहीं होगा कि हमने कहा है तो करना पड़ेगा। दबाव और भय दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। दबाव और भय तो माफिया पे बनाना पड़ेगा और पीने वाले लोगों पे बनाना पड़ेगा। सरकारों को दबाव और भय से मुक्त होकर के नशाबंदी की व्यवस्था के फेज अगर बना लेंगे तो उसमें सफलता हो सकती है। और इस पर मैं बहुत लंबा विमर्श करूंगी आप लोग के साथ भी, मध्य प्रदेश के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ भी और महिलाओं के साथ भी। आबकारी आयोग ने पत्र लिखा है सभी कलेक्टरों को, हमने राय मान ली की आप कहाँ कहाँ जाना, दुकानें खुल सकती है। एक ही जैसे सवाल है वैसे। आपने ये कहा मांग की विमर्श, शराबबंदी की मांग कर रही है, विमर्श कर रही है, ये इच्छा है। आप अभियान को लीड करेंगे? आपने मेरी इच्छा है, मांग नहीं है, नहीं ये मेरी इच्छा है कि ऐसा हो जाए। मैंने एक मिनट, ये बहुत अच्छी बात कही इसने, मैं आपका भी उत्तर दूंगी। चलो लो, ये क्या है, मेरी इच्छा है और मैंने कोई भी काम मांग से नहीं किया, संकल्प नहीं लिए कभी के हाथ में जल लिया और छोड़ दिया टाइप का नहीं किया है मेरे मन में। हाँ सच में आस्था है, कन्विक्शन जिसको बोलते हैं, इट इज ए मैटर ऑफ माई ओन वेरी पर्सनल कन्विक्शन कि शराबबंदी की जा सकती है। और क्योंकि कई राज्य सफल हो गए हैं, गुजरात में आज तक है इसलिए मैं बोल रही हूँ, और बिहार में भी है। तो इसलिए ये आप ना इसको मांग कहिए, ना दबाव कहिए, ना संकल्प कहिएगा, ये मेरी आस्था है और उस आस्था में से इच्छा निकली और ये इच्छा राज्य के करोड़ों लोगों की है, इसलिए इसमें अभियान ही पर्याप्त है। अब राजस्व पे आ जाए हम, मैं अब एक साथ दे देती हूँ, एक साथ बोलो, अगर अपन लोग एक एक करके बोले, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है ना, मैं ही कोऑर्डिनेटर हूँ तो आपको बुरा लग सकता है। हाँ राजस्व का जवाब बहुत जरूरी है। एक वो दे दो कि आप कार्य आयुक्त ने सभी जिले के कलेक्टरों को पत्र लिखा है, आप मांग कर रही हैं शराबबंदी की। मैं मांग बिल्कुल नहीं कर रही, मैंने अभी कहा आपको, लेकिन आज ही शिवराज जी को मिलूंगी, आज या कल में अगर वो भोपाल में होंगे तो। अब मैं पहले राजस्व पे आ जाऊँ, वो बहुत जरूरी उत्तर देना है ना। देखिए वो एक इकोनॉमी से संबंधित सवाल है, बहुत बहुत सरकार का खजाना खाली है, हाँ, सरकार कर्जा भी ले रही है। राजस्व और कलेक्टरों के लेटर, वो दो का उत्तर तो दे दूं मैं, एक तो है शराब और दूसरा है पेट्रोल। अब आप आय बढ़ाने के लिए क्या बना, हाँ मुझे उत्तर देने का मौका दे दीजिए। दो बातें, सवाल तो बहुत सारे आए हैं, दोबारा रिपीट कर दीजिएगा मैं भूल जाऊं तो। दो बातें मुझे लगी उसी समय स्ट्राइक कर रही थी, उत्तर देना बहुत जरूरी। एक तो कलेक्टरों के द्वारा कलेक्टरों को लिखा गया आबकारी विभाग का लेटर, और दूसरा राजस्व का क्षतिपूर्ति। राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए ग्रुप बनाया जा सकता है, मैंने तो पहले ही कहा कि फेजिंग करनी होगी। दबाव नहीं, दबाव में भय में काम नहीं करना है, विश्वास के साथ काम करना है कि हमें ऐसा करना है, और अगर हमें ऐसा करना है तो इससे जो क्षति होगी उसकी पूर्ति फिर हमें कहाँ से करनी है। तो उसके रास्ते निकलेंगे, राजस्व के रास्ते। और जैसे मैं अपना बताती हूँ, उस समय मैंने कहा कि अच्छा जितने भी ये ट्रांसपोर्ट के पोस्ट हैं दूसरे राज्यों के, वो सब उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर दो पूरा, तो उसी में हमें कम से कम 1,000 करोड़ की प्राप्ति होने वाली थी उस समय। तो 1,500 करोड़ हमें ऐसे ही सोच लिए थे कि कैसे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ टूरिज्म है, प्रहलाद पटेल ने बहुत अच्छी योजना बनाई हुई है टूरिज्म के लिए। मध्य प्रदेश में इको टूरिज्म की बहुत बड़ी मात्रा है जो केरल और राजस्थान को पीछे छोड़ सकता है मध्य प्रदेश। इसलिए राजस्व की वसूली क्षतिपूर्ति के तौर पर कैसे होगी, इसके लिए एक ग्रुप बनाया जा सकता है अधिकारियों का और मंत्री का, जो एक निर्णय करके दे सकते हैं कि ऐसे होगी। दूसरा फेजिंग हो सकती है, राजस्व की वसूली हो सकती है। मैं यहाँ खुद दावा करती हूँ कि मैं 1-2 महीने के बाद आपके बीच में फिर प्रेस करूँगी और मैं बताऊँगी खुद कि देखो राजस्व की वसूली ऐसे हो सकती है अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। दूसरी बात आ गई कि आबकारी विभाग ने कलेक्टर्स को लेटर लिखा है, तो जब शिवराज जी ने खुद ही घोषणा कर दी, अभी उन्होंने कल ही कहा कि अभी हम इस बारे में विचार कर रहे हैं, हमने निर्णय नहीं लिया है, तो उस वो लेटर का अभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तब तक जब तक कि सरकारी स्तर पर निर्णय नहीं हो जाता है। तो सरकारी स्तर पर इसके संबंध में कोई निर्णय की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए ये जो पत्र है वो तो एक प्लानिंग के लेआउट के लिए लिखेंगे ही विभाग के लोग, अगर ऐसा होगा तो तुरंत तो तैयारी नहीं हो सकती है, वो तो सरकार के निर्देश का ही पालन करेगा ना आपका भी विभाग, उसी का पालन करेगा।
आपने शराब सरकार बनाने की कोशिश में आपने कहा आदिवासी लोग शराब पीते नहीं है तो कभी गलत नहीं करते आदिवासियों को एक साथ दोनों बोल रहे पता है महुआ ब्रांड की शराब सरकार बनाने की तैयारी में है खुद अभी तो बेचती थी अब बना के भी बेचेगी क्या ये आत्मनिर्भर भारत का नया रूप है अब मैं इनका भी सुनूं तो दोनों को उत्तर आपने अभी आखिरी में कहा कि जब आप किसी लक्ष्य को लेकर चलती हैं चाहे अयोध्या आपने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग कर दिया अब लक्ष्य सच्ची में तो आप चाहे अयोध्या हाँ वो संकल्प टाइप का नहीं होता लक्ष्य जैसा हो जाता है जैसे अयोध्या में राम मंदिर हो बीजेपी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो लेकिन इसके लिए आपको कई आंदोलन भी करने पड़े सड़क पे उतरना पड़ा और ये लक्ष्य में आपने कहा कि अंतिम तक पहुंचती हैं आप तो क्या शराबबंदी में शराब बंद होने तक आप रहेंगी मैदान में मैं तो मैदान में हुई और इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत समय लगेगा क्योंकि समाज का वातावरण ऐसा है आप सबका भी मनोभाव यही है समाज का ही मनोभाव ये है तो जब समाज का मनोभाव होता है तो सरकार उस मनोभाव से अवगत नहीं ऐसा नहीं है खाली उसको उस मनोभाव के प्रति अवेयर कराना होता है कि देखो ये ऐसा मनोभाव है दूसरा उनके मन में जो आशंका और भय होते हैं जैसे राजस्व की क्षति उसका समाधान निकालना होता है अब जो महुआ वाली महुआ की ब्रांडिंग की बात आई मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं तो मैं इस पर बोल नहीं सकती हूँ मैं तो स्वाभाविक भाव से कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में चूंकि बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग हैं और इसलिए जब मैंने पॉलिसी बनाने की बात कही थी तो उस समय पर ये पक्ष भी सामने आया था कि इसको भी ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि उनके यहाँ पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है उसका प्रकार क्या हो सकता है और सामान्य जन जो सड़कों पर चल रहे हैं घूम फिर रहे हैं उन पर कैसे लगाया जा सकता है वो मैं बात कह रही हूँ तो इस सब पर जब विचार विमर्श चलेगा तो आपका ये जो पक्ष है जो सवाल आपने किया है ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी बात आई दीदी अगला जो लक्ष्य शराब के मध्य प्रदेश में अगला जो लक्ष्य वो शराबबंदी रहेगा मध्य प्रदेश में नहीं मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है शराब उत्तर प्रदेश में भी लोग जहरीली शराब से मर गए हैं राजस्थान में भी लोग जहरीली शराब से मर गए हैं ये जहरीली शराब से मृत्यु और शराबी लोगों के द्वारा किए जाने वाले दुष्कर्म छोटी छोटी बालिकाओं के साथ में किए जाने वाले दुराचरण और सड़कों पर बढ़ रही दुर्घटनाएं जो कैजुअल्टी जा रही है अभी एम्स में उसमें लगभग 15% सड़क दुर्घटनाओं की है जो दुर्घटना मतलब जो लोग आ रहे हैं इमरजेंसी में वो 15% हो गया है दुर्घटनाओं का और दुर्घटनाओं के 15% में 99+ हाफ% शराब कारण है इसलिए ऐसी स्थिति में सामाजिक जीवन की रक्षा का जो सवाल आएगा तो वो किसी एक राज्य की सीमा में नहीं होगा मैं तो शिवराज जी के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि योगी जी हैं संत हैं मैंने जब उनसे फोन पर बात की तो मैंने उनको यही कहा कि देखो महाराज कितना अच्छा हुआ लॉकडाउन में ये खुल गया कि एक भी व्यक्ति नहीं मरा कि मैंने शराब नहीं पी इसलिए मर गया जबकि कोरोना से लोग मरे अन्य कारणों से लोग मरे तो मैंने कहा देखिए एक अवसर हो सकता है तो उन्होंने कहा हाँ इसका उपयोग करेंगे मैंने कहा कम से कम ऐसी शुरुआत कर दीजिए कि सार्वजनिक स्थान मंदिर स्कूल महिलाएं जहाँ इकट्ठी होती हों वहाँ जो दुकानें पहले खुली हुई थी वो अब मत खोलिएगा तो उन्होंने मेरी बात का सम्मान किया और लगभग वैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हुई तो इसलिए मैं मध्य प्रदेश के बारे में ही ये बात नहीं है ये बात एक सार्वजनिक है मध्य प्रदेश में आसानी है शिवराज जी के मुख्यमंत्री होना एक कारण है और प्लस मध्य प्रदेश में मेरा सबसे परिचय होना एक कारण और कोई कारण नहीं सरकार माफियाओं के दबाव में है क्या अब दो सवाल है राजस्व के लिए मेरे को कोई मैं तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन हाँ जब बहुत दिमाग पे क्योंकि बजट तो मैंने बांटे हैं ना मेरा 1.5 लाख करोड़ का बजट था वाटर रिसोर्स का तो बजट का आवंटन तो मैं ही करती थी इसके पहले मैं कोयला और खदान की मंत्री थी जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री थी अटल जी के साथ तो भी बजट बांटती थी यहाँ जब मुख्यमंत्री बनी तो भी मैं बजट बांटती थी तो इसलिए बजट बांटना तो मुझे आता है और अभी गंगा जी के समय तो मुझे ये भी आया कि और कहाँ कहाँ से इनकम हो सकती है सीएसआर फंड से और कैसे जिसमें कि हमें सरकार से कम लेना पड़े तो इसलिए उतना ही आता है बाकी बहुत बड़े एक्सपर्ट लोग हैं मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छे इसकी समझ रखने वाले लोग हैं हाँ उनके साथ बैठूंगी बात करूंगी और शिवराज जी स्वयं आपको ऐसा लगता होगा कि वो राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति हैं नहीं वो आर्थिक सोच रखने वाले व्यक्ति भी हैं उनने घोर संकट के काल में निकाला है साहब आप कमलनाथ जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया 10 साल मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और शिवराज लगातार चुनाव जीतते गए उस समय पर भी राज्य की विकास की कोई धारा नहीं रुक पाई थी कोई प्रोजेक्ट नहीं रुक पाया था और केंद्र सरकार से राशि ले लेते थे वो तो इसलिए इसके लिए सिर्फ एक गृहिणी के जैसी चिंता जरूरी होती है कि इतना पैसा आ रहा है तो घर कैसे चलाना और बचाना कैसे इतनी चिंता जरूरी है एक एक बात आई थी बहुत अच्छी क्या थी हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पर माफिया बहुत सारे हैं एक सैंड माफिया है भारत की बात कर रही हूँ
है ना, पूरे भारत में और नहीं, वो पूरे में शराबबंदी की बात मैंने पूरे देश के ही बारे में कही है, जो भी मैं हम शुरुआत मध्य प्रदेश से करें मैं ये कह रही हूँ। लेकिन एक मिनट, शराब माफिया है, क्या बोलते हैं, रेत माफिया है, खनन माफिया जिसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन माफिया है, और एक पावर माफिया और हुआ है, पावर जनरेशन वाला, जो इतने जल्दी पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्लियरेंस लेने में माहिर होते हैं, और वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि जो उसका विरोध करे वो विकास के विरोधी कहलाने लग जाते हैं। ये मैंने पावर माफिया का मैंने सामना किया है ना, क्योंकि गंगा जी पर जो उत्तराखंड में लगने वाले पावर प्रोजेक्ट थे उसमें 40,000 करोड़ का निवेश था 72 पावर प्रोजेक्ट में, और मेरा ये कहना था कि गंगा की जो मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं उनका प्रवाह नहीं रुकना चाहिए, नई डिजाइन होनी चाहिए कि उसमें से एक धारा बिना अवरोध के निकलती रहे, तो उनको रीडिजाइन करना था, उसमें उनको प्रॉफिट नहीं हो रहे थे। उत्तराखंड में मेरे खिलाफ आंदोलन शुरू करवा दिया गया कि मैं उत्तराखंड का विकास रोक रही हूं, तब मैंने लिखित में ड्राफ्ट बता के दिया कि उत्तराखंड की 12% की क्षति है पावर जनरेशन की, वो हम नेशनल ग्रिड से दिलवाएंगे उनको, उनको सब्सिडी मिलेगी। इसलिए आप नहीं, एक सवाल जो आया है, दीदी आपने कल शराबबंदी की बात की, तो एक मुझे मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ ना, मेरे को अभी एक सेंटेंस बोलना है, आखिरी में बोलना है, शराब माफिया, खनन माफिया, कंस्ट्रक्शन माफिया और पावर माफिया, ये बहुत व्यापक है। मंडलीक मनी रावण राज करे निज तंत्र, ये अपने पूरे तंत्र को फैला करके रखते हैं।